हरिद्वार ऋषिकेश राजमार्ग पर सीएनजी पेट्रोल पंप के समीप खाली पड़े के प्लांट में रखे प्लास्टिक के पाइप में अचानक से भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि स्थानीय लोग दहशत में आ गए। प्लांट के मालिक रमन रंगड़ ने बताया कि पेट्रोल पंप के समीप उनका सीमेंट का गोदाम है और उसके पीछे खाली प्लांट में पिछले 6 महीनों से प्लास्टिक के पाइप रखे हुए थे। उन्होंने बताया कि उनके आग से उनके सीमेंट के गोदाम में लगे एसी भी जलकर राख हो गए हैं, साथ ही गोदाम की दीवारों में भी दरारें आ गई हैं। आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की टीम मौके पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारण पता नहीं चल पाए हैं। ऋषिकेश से मुकेश पवार की रिपोर्ट। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण आग लगी है। आपको बता दें कि आग लगने के चलते इसके बगल में ही जो सीमेंट का गोडाउन है वहां रखे एसी भी चलकर राख हो गए हैं। फिलहाल आग किस कारणों के चलते लगी है इसको लेकर जांच की जा रही है। मौके पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है।